हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? तो गाइस आज मैं निहाल पेट पे आया हुआ था। तो आज मैं पहले टॉपिक में आप लोगों को इगुआनास के बारे में बताऊंगा एंड उसकी डिटेल देंगे सर। हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल। आज मैं पहली वीडियो बनवा रहा हूँ प्रियांशु के पास फौना वर्ल्ड में। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इगुआना का टॉपिक है, इसमें दो चार चीजें इंटरेस्टिंग सी बताता हूँ, छोटी सी वीडियो है। इगुआना में अगर आपका पालने का मूड है तो आपको ये पता होना चाहिए खाती क्या है। पंपकिन खाएगी, यानी कि कद्दू, घिया, चकुंदर, सेब, टमाटर, केला, आम, ये सारे फ्रूट और वेजिटेबल जो है साधारण सी पेट है, ठीक है। इसको पालने का बेसिकली क्या चाहिए, आपको एक केज लेना है। उस केज को आप ऐसी जगह पर रखो जहां पर सनलाइट आती हो। अगर आपके पास सनलाइट आती है तो आपकी इगुआना बहुत ही अच्छी स्पीड से बढ़ेगी, बहुत ही अच्छा पेट बनेगी और घर में खुली घूमेगी आप। और करीबन एक साल के आसपास की है। जब ये इगुआना करीबन 2.5 से 3 साल के आसपास की होगी तो ये करीबन 5.5 फीट की हो जाएगी। आप इगुआना खरीद रहे हो तो आपके पास थोड़ी सी स्पेस बड़ी होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया पेट बनता है। अगर आप विदेशों में देखोगे, लोग इनको यहाँ पर रेप्टाइल कॉलर एक आता है, रेप्टाइल हार्नेस आती है, वो पहना के ओपन गार्डन में घुमाते हैं। तो साइज आपको पता होना चाहिए कि आपको अगर बड़ी आप इगुआना ले रहे हो, छोटी इगुआना ले रहे हो तो वो बड़ा होकर के क्या साइज पकड़ेगी। कोशिश कीजिए इगुआना जब आप खरीद रहे हो तो कम से कम 1.5 फुट से बड़ी हो, क्योंकि 1.5 फुट से छोटी इगुआना जो होती है वो हैचलिंग है। हैचलिंग मतलब अभी पैदा हुई है। उसमें रिस्क क्या है, अगर उसने खाना ढंग से नहीं खाया तो काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कंसर्व कर 1.5 फुट की इगुआना हो और उसको ला करके सनलाइट में रखिए। जिस दिन खरीद के लेकर के आ रहे हैं उसके पीने के पानी में ORS मिलाइए और अच्छे से उसको लीफी वेजीज दीजिए। आप दे सकते हैं मेथी, दे सकते हैं, आप देने के लिए बनाना खिला सकते हैं, इनको बहुत पसंद होता है। खिला के देखिए, ट्राई कीजिए, अच्छा।